तो भाई ये पीछे वाला कहीं खरीद लें, खरीद रहे हैं। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, तो भाई फाइनली स्टार्ट किया अपना दिल्ली अजमेर में। और अभी मैंने शाम सुबह देखा कि मेरा जो होटल है वो जस्ट हॉस्पिटल के पीछे है, तो इतने ज़्यादा पेशेंट हैं वहाँ, इतने ज़्यादा लोग हैं, भीड़ हैं। तो खैर छोड़िए, ये सब तो है। अजमेर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस्तांबुल से, मुझे यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्योंकि कल मैं निकला था रात में खाने पीने कुछ, एकदम से मुझे भूख लगी तो मैं चला गया था ऐसे ही, और 2 बजे तक भाई होटल खुले थे, रात 3 बजे तक। अभी जैसा कि उठने के बाद मैं 1 बज रहा है, अराउंड 11-12 बज रहा है, क्योंकि मैं कल बहुत थका हुआ था, तो फिर मैं आज जल्दी स्टार्टिंग की नहीं मैंने। तो अभी जा रहा हूँ अजमेर के कुछ फेमस प्लेसेस घूमने, फिर पहले देखिए कहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले मेट्रो पकड़नी है नीचे से। मैं मेट्रो का सफ़र इतनी ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि टैक्सी भाई आपको चूना लगाती है अच्छा खासा, और मेट्रो में क्या होता है, फिक्स होता है, तो आप पहुँच जाते हो आराम से। तो मैं मेट्रो ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, मेट्रो ट्रेन जो मतलब गवर्नमेंट के अंडर में वो चीज़ है। तो यही है, फिर चलिए फटाफट पहले मेट्रो पकड़ते हैं। तो भाई एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, क्या मैं आया था, मेरे पास कार्ड तो है नहीं यहाँ का, तो मैं सोचा कार्ड बनवा लूँ। तो मैं गया मशीन के पास, वहाँ एक लेडी चेंज कर रही थी मनी, तो मेरे पास इस्तांबुल कार्ड है, तो मैंने वो लगाया, वो वर्क नहीं कर रहा। तो उसने कहा, उसने एक आदमी को बुलाया सिक्योरिटी वाले को, उसने कहा कि इनको ले जाओ वहाँ पर। तो उसने कहा सर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो भी वर्क करेगा, तो मैंने क्रेडिट कार्ड लगाया, वो भी नहीं वर्क कर रहा था। तो उसने कहा आप ऐसे ही चले जाओ। तो भाई मतलब मैं फ्री में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये अच्छा है, मतलब लोग अच्छे हैं यहाँ, मुझे इस्तांबुल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सिटी भी अच्छी है और ओवरऑल सिटी के साथ साथ लोग भी उतने ही अच्छे हैं। क्योंकि वहाँ पर इस्तांबुल में सिर्फ बिजनेस है, यहाँ पर थोड़ी इंसानियत लग रही है। पहली बार तुम्हें फ्री में हो गया तो ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। वहाँ पर भी था ऐसा, लेकिन मतलब ऐसा नहीं था कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो, क्योंकि वहाँ जगह जगह मशीन लगी हुई है, तो ये वाला तो फ्री हो गया। तो एक तरफ के तो कुछ बच गए हैं, अभी लौट तक देखेंगे क्या करना है। तो अजमेर है सो गुड मेट्रो, दे न्यूली बिल्ड दिस एंड एक्चुअली मैं जो हूँ ना एक स्टेशन पहले उतर आया हूँ, मेरी गलती है। मैंने बोर्ड पे देखा, उस पर जो नेक्स्ट आने वाला था वो ग्रीन से होता है, तो मुझे लगा वो ग्रीन पे आ गया हो, तो मैं लप से कूद गया, मैंने कहा जल्दी उतरो, मैं मिस नहीं करना चाहता। तो मैं उतर आया एक स्टेशन पहले। तो ये जो अंडरग्राउंड बन रहा है भाई, अंदर नेटवर्क कुछ नहीं आ रहा, ये बहुत ही अंडरग्राउंड है, इसका नेटवर्क एकदम नहीं आ रहा फ़ोन में, ना यहाँ के सिम में ना मेरे वहाँ के सिम में, कहीं पर भी नेटवर्क नहीं आ रहा। लेकिन बना बहुत अच्छा है यार, मतलब बड़े डेवलप कर रहे हैं अजमेर के लिए। तो ये अगर हमको क्लोजेस्ट जाना है सी की तरफ, तो ये बहुत ही सस्ता ऑप्शन है आपके लिए, मेट्रो पकड़ें आप। हयात करके अजमेर में मैं जहाँ रह रहा था वहाँ से हयात पास था, हयात में मैंने मेट्रो पकड़ी है और मैं सीधे जाऊँगा, लास्ट स्टेशन है इसका कैमा कामलिक, बट मैं वहाँ नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ शेची तिलिक, भाई पता नहीं प्रोनाउंस गलत हो रहा होगा, लेकिन मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर वहाँ से मुझे 20 मिनट की वॉक है और मैं सी के किनारे आऊँगा। तो चलिए फटाफट वहाँ चलते हैं, देखते हैं कैसा है। तो मैं वेट कर रहा हूँ मेट्रो का, 3 मिनट है, 3 मिनट में आने वाले, टीके मतलब मिनट। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं। तो बस अभी पहुंचा यहाँ पर, शहर करके कुछ सिटी है, और यहाँ से करीबन 20 मिनट का रास्ता है बीच तक जाने का। मतलब वो टोटली वो वाला बीच नहीं है जो यहाँ पर फेमस है, बट हाँ बीच है, क्योंकि जो यहाँ फेमस बीच है वो आपको जाना पड़ेगा करीबन 2 घंटे की ड्राइव बाई बस, 4 घंटा, जो कि मेरा एकदम मूड नहीं है। कल मैंने ड्राइव किया इतना लंबा 8 घंटे का, और आज मेरा एकदम मन नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ ऐसे ही, जो पास पड़ेगा उसके थ्रू। तो
पास पड़ेगा उसके थ्रू, तो अभी चलते थोड़ा पूछना पाछना भी पड़ेगा। तो भाई सामने आ गए हूँ मैं और आवाज़ें आपको आ रही होंगी। तो ये है समंदर, इनके पास भी थोड़े रॉक वाले हैं। और यहाँ लोग फिशिंग कर रहे हैं। तो भाई ये पीछे वाला घर खरीद रहे हैं और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हो जाए भाई तो कितना बढ़िया। मतलब मैं सोच रहा था कि अगर आप ये घर खरीद लें तो यहाँ से भाई सोचिए आपका व्यू एवरी डे आप यही की देख सकते हैं, ऐसे ही व्यू, तो कितना मज़ेदार हो जाएगा। लोग फिशिंग कर रहे हैं। भाई ये देखो, ये है कोरल, पूरा समुंदर से बाहर आ गया। मेरे ख्याल से मछलियाँ खा रही हैं, जो भी हो पूरा कोरल है यार। यहाँ कोई है नहीं और यहाँ पर घर बहुत खूबसूरत हैं भाई। मतलब पैसे चाहिए आपको लोकेशन का मज़ा उठाने के लिए। तो अभी मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ बीच के किनारे। ये देख रहे हो, भाई जिंदा शैल है ये अभी भी, ना। और यहाँ बहुत सारे हैं। एक ओके, ये तो टूट गया। ये देखो एक शैल है छोटा सा, और मैंने लगता तोड़ दिया, नहीं टूटा तो नहीं है। खैर मैं जिंदा वाला पानी में फेंक दे रहा हूँ, शायद सर्वाइव कर जाए। तो अभी तो आ गया समर। खैर मैं वापस भी जाऊंगा तो समुंदरी में जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ आया क्योंकि यहाँ सुना है कि मैंने बहुत रेतीला है, लेकिन ये वाला बीच नहीं है, वो दूसरा बीच है जो बहुत रेतीला है। थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड किया जाएगा, मज़े उठाए जाएंगे पानी के ठंडे, और फिर देखते हैं कहाँ चलते हैं। ओह मैं निकल रहा हूँ वापस, बहुत देर बैठ लिया यहाँ, धूप अच्छी खासी हो गई अब तो टाइम है।
कि वापस चलें। हाँ, मैं वापस जा रहा हूँ होटल की तरफ, क्योंकि भाई बाहर बहुत गर्म है। तो मेरा प्लान एक और जगह घूमने का था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि वो शाम को जाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा गर्म, मेरी हालत ख़राब हो रही है, पसीने छूट रहे मेरे। हाँ, तो मैंने सोचा पहले होटल जाओ, शराफत से रेस्ट करते हैं, एक बार शावर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं पसीने से डर हो गया हूँ। बहुत ना बहुत ज़्यादा, बट हाँ मुझे गर्म लग रहा है, तो मैं करूँगा यही है फिर। हेलो, तो भाई वापस आ गया हूँ। लौटते वक्त भी वो कार्ड बना नहीं था, हुआ क्या, तो एक बंदे ने मेरा बिल दिया, मैं उसको पैसे दे रहा था कैश की, भाई ले लो ले लो ले लो। वो कह रहा नहीं 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 बाब ठीक है, बस जो है ठीक है। तो भाई लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ इस्तांबुल में। मेरा मन एकदम नहीं था इस्तांबुल, मुझे अच्छा नहीं लगा, हाइप है इस्तांबुल। अगर आपको सच्ची में तुर्की विज़िट करना है, तो भाई आपको इस्तांबुल छोड़ के आप किसी भी और शहर में जाओ। मैं इस टाइम इजमीर में हूँ, मुझे भाई तुर्की सच में अच्छा लग रहा है। मतलब अब लग रहा है कि मुझे हफ्ता भर रुकना चाहिए इस्तांबुल में, जितनी जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हर जगह भाई ठगी है। अब आपको देख के रेट बढ़ा देते हैं, हर चीज़ बहुत महंगी है, जो आपको सेम यूरो के हिसाब से पड़ेगी, वहाँ सीधे आपको यूरो ही में बताते हैं, कुछ काउंट कर लेते हैं सब। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी चीप कंट्री से ट्रेवल कर रहे हो, तो फिर भाई पैसे चीप होने चाहिए ना। तो ये हो जाता है, हर चीज़ वो काउंट करके रखते हैं, कि अगर वो समझ गया कि आप बाहर के हो, मतलब आप यूरोप से आए, तो फिर तो भाई उसने यूरोपी में पैसे लेने हैं, यूरो में। और खैर मेरे साथ थोड़ा केस डिफरेंट था, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैं इंडिया हूँ, इंडिया से हूँ, तो थोड़ा बहुत ओके ओके ठीक है तब भी। लेकिन वो फिक्स रेट तो रहते ही भाई, लिखे रहते हैं। और अभी मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मैंने भाई बहुत, अभी तो 2-3 दिन शॉपिंग करी, मैंने ये खरीद लिया जेंगा, जो मुझे वहाँ सल्वेनिया में मिल रहा था करीबन 30 यूरो का, यहाँ मुझे मिला है 5 यूरो का, मैंने ख़रीद लिया। बट एक डिफरेंट इसमें यह है कि इसकी जो वुड है ना, वो थोड़ी ऐसी है, ये वाली है थोड़ी, मतलब ये दफ्ती जो नहीं आती हार्ड वाली, वो है। तो ये थोड़ा मैं ठग गया हूँ, लेकिन ठीक है यार, अभी वो ठग गए तो ठग गए भाई, अब ठगे का क्या कर सकते हैं। तो ये सब ले जाने का है यार, मेरा ले जाने का भी लफड़ा बड़ा गड़बड़, क्योंकि मेरा जो यार मटेरियल मैं ज़्यादा नहीं लेता, मैंने बैग कैरी नहीं किया साथ में, मैं सिर्फ वैसा करके आया हूँ कि जो वो अलाउ करते हैं ना 12 kg वाला अपने साथ रख सकते, तो वही मैंने लिया है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ लगेज नहीं लिया। तो यही है, धूप से आ गए अभी घर पे, अभी रस सस्ताऊँगा, नीचे जा रहा हूँ मैं चाय पीने, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। तकली बाय लाइक शेयर करो फुल। तो भाई अभी निकल आया हूँ बाहर, और आ गया हूँ रात में घूमने थोड़ा इजमीर, और मैं आया हूँ कोनाक सिटी, मतलब है तो इजमीर ही में, कोनाक है उसका नाम। तो कोनाक आया हूँ रात में, और भाई ये सामने से बड़ा खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर एक स्टैचू फेमस है, तो मोस्टली वही देखने आया। और अभी मैं ब्रिज चढ़ा हूँ, अभी आप सामने देखो तो हर तरफ टावर मस्जिद, यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो अभी चलते हैं अपन लोग थोड़ा नीचे, क्योंकि अपने पे स्क्वायर जाना है, और फिर वहाँ थोड़ा फोटो क्लिक करते हैं और घूमते हैं जगह। रात में थोड़ा बाहर रहूँगा, थोड़ी देर तक बाहर रहूँगा टुडे, तो विल सी। फाइनली जब आप कोनाक मेट्रो स्टेशन से पीछे की तरफ आते हो, एकदम कोनाक मेट्रो से रोड पार करो दाईं तरफ, और आप जब भाई चलते चलते आओगे ना, तो आपको ये बहुत खूबसूरत सी मस्क्यू दिखेगी, दिखा दो अभी आपको। मेरे सामने है, और ये कोनाक स्क्वायर कहलाता है ये एरिया। तो आप यहाँ आओगे तो बड़ी खूबसूरत सी दिख रही है, अंदर का मुझे पता नहीं क्या सीन है, तो पहले भी पास जाते हैं इसके। तो ये भाई लोग अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद हुई है जो सेपरेशन करके रखा है, एक लेडीज का एक जेंट्स का। और अभी इसी
इसी मॉस्क्यू के थोड़ा उस तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक और है स्तंभ टाइप का, क्लॉक टावर टाइप का, तो वो भी चलेंगे अभी। तो सबसे पहले इसकी फोटो वोटो क्लिक कर लेते थोड़ा यादगार के लिए। आई स्पेन सो देखते हैं भाई, थोड़ा शौक चल रहा है मेरे की, फोटो वोटो क्लिक कर लीजिए फिर निकल जाए यहाँ से। बाई फ्रंट ऑफ माई आईज, बाई व्यू देखोगे ना हालत ख़राब हो जाएगी, गजब है भाई गजब। ये देखिए भाई मैस्क्यू के जस्ट सामने ये है क्लॉक टावर लग रहा है, नक्काशी बहुत गजब की बनी है इस पर, आप लोग देखो। और एक गड़बड़ हो गई कि मैं अपना वो नहीं लेके आया हूँ फ्लाई करने वाला, वरना आप लोग को बहुत क्लोज से दिखाता, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ ज़्यादा रूल है नहीं, तो ड्रोन जिसे कहते हैं फ्लाई करने वाला नहीं ड्रोन, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रूल है नहीं, तो मतलब कि आप कर सकते हो थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे, देखा जाएगा। बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी लैंग्वेज, बोलिए अभी अपन पास जाके देखते हैं कैसा है। पास से कुछ ऐसा है, अंदर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर एक पिलर दिख रहा है बस, जो पिलर ऊपर तक गया है। तो मेरे ख्याल से कोई ताबूत वाबूत टाइप का लग रहा है, ताबूत टाइप का या पास से कुछ ऐसा बना है, पता नहीं है क्या इसे। हाँ वहाँ लिखा है, तभी जाके वहाँ पढ़ते हैं कि वहाँ लिखा क्या है। क्लॉक टावर 15th century एनिवर्सरी ऑफ क्लॉक टावर ऑन द अब्दुल हमीद सेकेंड इन 1901। ओ रेमंड पेरा द आर्किटेक्चर ऑफ रेमंड रेमंड पेरे जो बना है, ये बना है 1901 में, और इसके आर्किटेक्चर थे रेमंड पेरे। और ये क्लॉक टावर है और कुछ है नहीं, मतलब क्लॉक टावर है तो बना बहुत शानदार है भाई, मतलब अगर तुम इजमीर हो, और जो डेफिनेटली तुम्हें होना चाहिए अगर तुम इस्तांबुल आए हो, तो एटलीस्ट 2 days तो इजमीर में बिताओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि इस्तांबुल से कितना अमेजिंग इजमीर है। विजिटिंग प्लेस कम है पर सिटीज़ अच्छी है, मुझे मज़ा आया। मैं अभी हूँ यहाँ पर, अभी रहूँगा मैं, लेकिन अभी तक मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस सिटी को मोर देन इस्तांबुल। इस्तांबुल में घूमने की चीज़ें बहुत हैं जो सच बात है, लेकिन वैसे ही उसमें वो भी है कि अगर आप लो बजट पे हो तो ना ना ना, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये है खूबसूरत शानदार, मतलब आप घूमते हो टूरिस्ट को देख के रेट नहीं बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा है। तो इजमीर ईमानदार है, इस्तांबुल में है थोड़ा बहुत ठगी, तो यही है। अभी मैं आसपास घूमूंगा थोड़ा, तो आप लोग को भी दिखाऊंगा, तो तब तक थोड़ा यहाँ बैठता हूँ सुस्ताता हूँ। मेरी याद है तो मैं किसी भी प्लेस पे जाता हूँ तो थोड़ी देर वहाँ रुकता हूँ, कम से कम 15-20 आधा घंटा, डिपेंड करता है कि वाइब कैसी है। तो अभी वाइब ऐसी लग रही कि 15-20 मिनट स्पेंड करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ चलते हैं। यहाँ म्यूजिक चल रहा है, कुछ लड़के डांस कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में।
बाय वर्क।